हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक झूमर बनाना बताऊंगी। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमें इस झूमर को बनाने के लिए खिड़की सामानों की जरूरत पड़ेगी। झूमर को बनाने के लिए हमें एक ये प्लास्टिक की प्लेट चाहिए। इसमें छेद होते होंगे, ये मार्केट में बड़े आसानी से मिल जाती है। कलरफुल मोती मैंने रेड, वाइट और ग्रीन कलर के, तीन कलर के मोती यूज़ किए हैं। और टैल्स हमें जरूरत पड़ेंगी। ये मैंने छोटे छोटे ग्रीन कलर के मोती लिए हैं और कुछ छोटे छोटे गोल्डन कलर के मोती लिया। और ये पाइप होते हैं, इसे हम लोग लगाएंगे उसमें झूमर में। और धागा जरूरत पड़ेगा और एक बड़े साइज की सुई जो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, जिसमें हमारे ये सारे मोती आराम से जा सकते। ये जो हम झूमर बनाएंगे तो हम ये पहले छोटा बनाएंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा। इस तरीके से हम बनाएंगे, यानी बढ़ते क्रम से घटते क्रम में ले जाएंगे। अब घटते क्रम से बड़े ये हम झूमर बनाएंगे। इसको बनाने के लिए पहले जो हमारा धागा है उसे हम पहले जो पांच धागे हम 1-1 मीटर में काट लेंगे और उसे डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद हम लोग पहले सिंगल धागे में एक ये जो हमारी बैल वाली है वो डालेंगे और फिर एक नॉट लगाएंगे। सिंगल धागे में पहले हम एक बैल डालेंगे, फिर उसके बाद धागे के अंदर से डाल के उसे फंसा कर एक नॉट लगा लेंगे। फिर हमारे जो दोनों धागों को बराबर करके उसे हम सुई में डालेंगे। और सुई में डालने के बाद पहले हम लोग एक गोल्डन मोती डालेंगे, फिर ग्रीन मोती डालेंगे, फिर गोल्डन मोती, फिर वाइट मोती, फिर रेड मोती। इस तरीके से ये हम बना के एक डिजाइन तैयार कर लेंगे। तैयार होने के बाद अब हम लोग एक पाइप लेंगे और वो पाइप इसके अंदर डालेंगे। अब जब हम सेकेंड लड़ी जिस तरीके से मैंने आप लोगों को फर्स्ट लड़ी बताई है उसी तरीके से बनेगी, लेकिन रेड मोती डालने के बाद हम लोग एक और मोती डालेंगे गोल्डन वाला, उसके बाद एक हम ग्रीन मोती डालेंगे और उसके बाद पाइप डालेंगे। इस तरीके से हम सेकेंड लड़ी बनाएंगे। फर्स्ट और सेकंड लड़ी बनाने के बाद जो हम थर्ड लड़ी बनाएंगे और उसमें अब जब एक्स्ट्रा मोती डालेंगे, हम एक गोल्डन मोती डालेंगे और फिर एक वाइट मोती डालेंगे, फिर पाइप लगाएंगे। और फोर्थ लड़ी में हम एक्स्ट्रा मोती में डाल के और रेड मोती डाल देंगे। इस तरीके से ये हमारी चार लड़ी बन जाएगी। जो फिफ्थ लड़ी हमारी बनेगी उसमें हम लोग एक्स्ट्रा में एक गोल्डन मोती डाल के ग्रीन मोती डालेंगे, फिर पाइप लाएं। इस तरीके से हमें पांच लड़ी कम्प्लीटली बना लेनी है। पांच लड़ी बनने के बाद जो हम लोग सिक्स्थ लड़ी बनाएंगे उसमें हम लोग जिस तरीके से हमने पहली लड़ी बनाई थी उसी तरीके से बनाएंगे। और उसमें लड़ी बनाने के बाद एक पाइप डालेंगे और उसके बाद एक ग्रीन मोती डालेंगे, फिर एक्स्ट्रा पाइप डालेंगे। ये हम लोग इस मारे करते हैं ताकि जो पाँच लड़ी बनी है उसको इतना बराबर हमें कर लेना है कि एक पाइप भर की जगह, मतलब लंबा हमें कर लेना, उसके बाद एक पाइप एक्स्ट्रा बनाना है। इस तरीके से फिर हम पांच लड़ी बनाएंगे, सेम जिस तरीके से हमने पहले पांच लड़ी बनाई है मोती बढ़ाते हुए, उस तरीके से फिर हम लड़ी बनाते बढ़ाते हुए। पहले हमने पांच लड़ी बनाई एक पाइप डाल के, जो सेकंड में फिर पांच लड़ी बनाएंगे उसमें हम एक मोती और फिर एक और एक्स्ट्रा पाइप बढ़ाएंगे। जो हम फिर पाँच पाँच दस हो गए, इसके बाद फिर पाँच बनाएंगे, उसमें हम उन पाँचों में हम लोग तीन पाइप लगाएंगे, एक दो तीन। फिर इसके बाद जब पांच लगाएंगे तो उसमें हम चार पाइप लगाएंगे। फिर उसके बाद जब पांच बनाएंगे उसके बाद हम पांच लगाएंगे, उसके बाद फिर पांच बनाने के बाद फिर उसके बाद जो पाइप लगाएंगे वो हम छह पाइप लगाएंगे। इस तरीके से मेरे में जो ऊपर प्लेट लगाई है उसमें 30 छेद थे, तो मैंने पाँच पाँच का गैप रखते हुए पाइप बढ़ाते हुए ये मैंने घटते क्रम से बढ़ते क्रम में मैंने ये सारे बना के कम्प्लीट कर लिए हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमें ये जो बनाया है मैंने लटका उसे हम ट्रे में किस तरीके से जोड़ेंगे। पहले हम मैंने एक जोड़ लिया, उसके बाद सेकंड लूँगी, सेकंड सेट में डालेंगे उसके बगल वाले छेद में, और उसे पहले हम छेद में से डाल के ऊपर की साइड निकाल लेंगे। पहले हम सुई में धागे को डाल के छेद में से ऊपर की साइड हम
निकाल लेंगे, उसके बाद एक हम मोती लेंगे, मोती हम उस छेद में से डालेंगे और फिर जो हमने जिस छेद में से हमने ऊपर की साइड निकाला है उसी छेद से वापस सुई को हम उसी छेद में से हम वापस सुई को नीचे की साइड निकालेंगे। नीचे की साइड निकालने के बाद हम पीछे की साइड से सुई हटा देंगे और दोनों धागे को जो हमने बनाया है उसमें से दो बार घुमाएंगे, आगे के दोनों धागों को लेके आके जो बनाया है उसमें हम घुमा देंगे उसको उसके अंदर थोड़ा सा, जिससे कि खुलने का डर ना रहे। और फिर उसके बाद दो तीन हम नॉट लगा देंगे, इस तरीके से खुलेगा भी नहीं और अच्छे से हमारा अटैच हो जाएगा। उसके बाद जो बचा धागा होगा उसे हम कैंची की मदद से काट देंगे और वापस सब सीधा करेंगे। उसके बाद इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया है बाकी जितने भी सारे हैं उसे घटते क्रम से बढ़ते क्रम में सारे हम पूरी ट्रे के अंदर जोड़ देंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा।